गाइस वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। अभी मैं और मेरे बुआ चाची बहन सब लोग जाएंगे घर। अभी मैं अकेले नीचे जा रहा हूँ, बाकी सब लोग ऊपर हैं। देखिए इधर चावल दान करने के लिए साड़ी सब है, बिछा दिए हैं। धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ करीब 611 सीढ़ी है। यहाँ चढ़ने में और उतरने में पूरा दिक्कत, बस चढ़ने में दिक्कत होता है, उतरने में नहीं होता है। गाइस उतरने में बहुत ही आसान, बस डर है गिर ना जाऊं, बस एक ही डर है। गाइस मैं सुबह से आया था, मेरे को बहुत ही भूख लग रहा है। और ये देखिए नारियल को कंप्लीट नहीं खोला हूँ, अभी भी खा रहा हूँ। छिलका है नारियल में, खोपड़ी भी है। ये देखिए बिना उखाड़े खा दे रहा हूँ, बहुत ही भूख लग रहा है। मैं डायरेक्ट घर चलता हूँ, उसके बाद अपन खाना खाएगा, सो जाएगा आराम से। पहले यहाँ का रास्ता आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही हिल रहा है। देखिए ये देखिए गाइस, पहाड़ के नीचे का सीन है। बहुत ही छोटा छोटा घर सब दिखाई दे रहे हैं, रास्ता भी एकदम छोटा छोटा। गाइस मेरे चैनल को एक्सपेरिमेंट चैनल बनाते हैं। ये देखिए नारियल का छिलका, इसको नीचे फेंकते हैं, कितना टाइम में नीचे पहुंचेगा। ये देखिए गाइस करीब 5 से 6 सेकंड लगा नीचे जाने में, तो ऐसे स्पीड में मैं भी चलता हूँ नीचे। डायरेक्ट नीचे मिलते हैं अब। गाइस फाइनली मैं पहाड़ से नीचे आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए नीचे दुकान वगैरह है, दुकान रखे हैं, यहीं पे मेला लगता है। ये देखिए उस पहाड़ से चोटी से मैं नीचे आ गया। अभी मैं जाऊंगा मेरी दादी के पास। मेरे दादी जी ऊपर नहीं आए थे, तो दर्द दे रहा था ना, पैर सब दर्द दे रहा था, इसी कारण मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं मेरे दादी के पास। दादी के पास मिलने का जाने के बाद आपको दिखा दूंगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ से कुछ कुछ खरीदते हुए जाऊँगा दादी के लिए। बहुत सुबह से आए हैं ना, अभी दोपहर होने वाला है। फिलहाल चलते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। ये देखिए गाइस राम मंदिर जाने के लिए फर्स्ट सीढ़ी इधर है, अपन को इधर जाना है। कुछ कुछ खरीदते हुए जाऊंगा। देखिए इधर का दुकान, किराने दुकान सब है, नारियल पूरा चीज़ का इधर दुकान मिल जाएगा आपको, जो ज़रूरत है पूरा मिल जाएगा इधर ही। गाइस दुकान से बस मैं पानी बोतल खरीदा और कुछ कुछ नहीं था, बहुत कम था, जो मेरे को चाहिए बहुत कम था, इसलिए मैं पानी बोतल खरीदा मेरे लिए, दादी के लिए, बाकी सब के लिए हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो धीरे धीरे चलते हैं दादी के पास। अभी ये देखिए मेरे आसपास कोई नहीं है, बस मेरे अलावा बाकी लोग हैं लेकिन मेरे यहाँ के नहीं हैं। अब चलते हैं दादी के पास, वहाँ पे कुछ कुछ मौज करेंगे, घूमेंगे इधर उधर। इधर से जा रहे हैं तो घूमेंगे ही। सीता बंगरा बच गया है और उसको खालते हैं हाथी पोल सब, तो गाइस हाथी पोल बचा है, सीता बंगरा बचा है, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, ले जाऊंगा। तो गाइस यहाँ से चलते हैं। गाइस मेरे दादी जी के लिए केला खरीद रहा हूँ, ये देखिए एक दर्जन केला खरीद ले रहा हूँ, और किसी के लिए काम आ जाएगा, मेरे के लिए, मेरे लिए भी, मैं भी खा लूंगा। सुबह से भूख लग रहा है। ग
गाइस फाइनली मैं ज़रूरत का सामान खरीद लिया है। देखिए पानी पीने के लिए, खाने के लिए केला। अभी मैं जा रहा हूँ दादी के पास, डायरेक्ट मिलते हैं अब दादी के पास। इधर करीब मेरे को एक दो किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल। ये देखिए गाइस, यहाँ का रास्ता पूरा जिग जैक है। इधर इधर गया है, इसके बाद इधर घुस गया है, बीच में पहाड़। ये देखिए इधर रास्ता है, पूरा जिग जैक है। गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोगों का कार सब बहुत ही दूर, करीब पाँच से छः किलोमीटर दूर रखे हैं, और इसके बाद पैदल हम लोग आए थे। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे कार की तरफ, उधर ही दादी जी भी हैं, बैठे हैं दो जने। अभी यहाँ आइएगा तो बहुत ही सोच समझ कर के आइएगा, बहुत ही चलना पड़ता है पैदल पैदल। मेरी दादी जी का हालत बहुत ही ख़राब हो गया है, और मेरा भी हालत बहुत ही ख़राब हो गया है। जितना हम लोग आए हैं ना, सब लोग का हालत बहुत ख़राब हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं दादी के पास जा रहा हूँ, यहाँ से करीब मेरे को दो किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, अकेले हूँ। आप लोग देख सकते हैं इधर, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी नहीं कोई नहीं है, सिर्फ अपने पास जय श्री राम, राम जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कालिदास अपना रचयिता किए थे, जो भी लिखे थे यहीं पे लिखे थे। तो गाइस मिलते हैं दादी के पास जाने के बाद, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। ये देखिए गाइस, मेरे को वहाँ जाना है, आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़, उधर रास्ता भी है, उधर ही जाना है अपने को। तो गाइस चलते हैं, इधर ही से जाएगा। तो गाइस चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस फाइनली मैं इधर पहुंचने वाला हूँ। ये देखिए इधर पहाड़, और मैं बैक हो गया, इधर मेरे पीछे पहाड़ भी है, मैं बीच में हूँ। गाइस आप लोगों को मैं बोला था इधर कार कुछ भी नहीं आ सकता है, लेकिन ये लोग बड़े आदमी हैं तो इन लोग आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। मैं भी एक आध साल बाद बहुत बड़े आदमी बन जाऊँगा, तो इधर मैं हेलीकॉप्टर लाऊँगा, आप लोग भी आइएगा मेरे साथ। एक ठो नहीं, पूरा हजारों ठो हेलीकॉप्टर इधर ही लाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं दादी के पास, आप लोग वीडियो पर बने रहेगा। गर्व से कहो हम हिंदू है, उस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया, उस सिंधु माता के कुंभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी छवि सारे जग में बहुमूल्य। गाइस ये देखिए मेरे दादाजी यहाँ पे बैठे हैं, वैसे ठीक ठाक है। जय श्री राम जी, राम राम। कहाँ थे बैठे रहे सोहर पे? और गई से रेंगत रेंगत रहा तो कैसे इतने उठी से? अही चले उठी से। हाँ मतलब बैठा हो इसी का बंजर सीट का बंजर डेवर जगह ना। हाँ उठो पहुँची सोई, पहुँची सोई। अच्छे रेश निकली से। हाँ मतलब 10-15 मिनट हुआ था। 10-15 मिनट। हाँ अभी से गया। और तेरे घर ही कितना टाइम जावे ना? मैं वही 3 बजे का। 3 बजे का? हाँ सब यात्री उतर ही था। कहाँ उतर जावे? नहीं तो खाना उना खाया था रेस की? नहीं मैं जाए के खाना जाए खा गए। 6-7 बजे आए पहुँच जाते। हाँ गाइस यहाँ पे मैं दादी जी को छोड़ दिया था, दादी जी के पास, और मैं अभी आया। इसके बाद मैं देखा तो दादी जी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ और नीचे, दादी जी शायद नीचे होंगे। अरे देखिए इधर खड़े, इधर है हनुमान जी बोलते हो, रामगढ़ का पूरा रक्षा करते हैं। इधर देखिए हनुमान जी का मूर्ति है, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। गाइस हनुमान जी का मूर्ति बहुत ही बड़ा है, मेरे से तो बड़ा है। गाइस अब डायरेक्ट चलते हैं नीचे, नीचे जाने के बाद दादी जी को भी ढूंढना है। यहाँ से चल दिए हैं अकेले, वहाँ पे शायद ड्राइवर भी एक साथ होंगे, वहाँ पे जाके ढूंढना भी है कि नहीं। भाई देखिए फल पानी सब पकड़ा हूँ, ये सबको देना भी है, कुछ खाई नहीं है ना, सुबह से आए हैं तो। और बाकी लोग ऊपर ही हैं मंदिर तरफ, और मैं पहुँचने वाला हूँ, नहीं पहले मैं पहुँचता हूँ नीचे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इसके बाद नीचे पहुँचने के बाद कहीं कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो गाइस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा।
गाइस फाइनल ही मेरे दादी जी मिल गई। ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं, ऊपर नहीं जाने पाए हैं, नहीं गए हैं, काहे कि पैर दर्द देता है ना, इसीलिए ऊपर नहीं गए थे। ऊपर बुआ बुआ फूफा चाची बहन भाई आदि भाई सब लोग गए हैं, अभी वो लोग आ रहे होंगे और मैं पहुँच गया। ये देखिए दादी दादी कुछ खा पी रहे होंगे, केला सब आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए गाइस इधर तो बोलते यहाँ रामगढ़ का नीचे का सीन है, नीचे में मेला वगैरह लगा है हल्का हल्का, और यहाँ पे घना जंगल है। गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और नीचे हाथी बंगरा के पास। देखिए दादी जी आ रहे हैं पीछे पीछे मेरे, और पानी बोतल केला सबको पकड़ लिया, दादी जी खा पिए लिए। अब चलते हैं नीचे सीता मंदिर के पास, सीता बंगरा के पास और हाथी पोल के पास। गाइस थोड़ी देर नीचे आने के बाद इधर देखिए भंडारा बढ़ रहा है, उधर हमारे देश के हीरो तो पुलिस सब, उधर पुलिस भैया लोग भंडारे दिला रहे हैं, मेरे को अच्छे से नहीं पता लेकिन वहाँ पे भंडारे दिला रहे हैं। और मेरी दादी पीछे पीछे हम लोग चल जा रहे हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। गाइस हाँ गाइस दादी जी नहीं जा रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे बैठ रहे हैं। दादी जी बोली तू जा, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे को बहुत पैर दर्द दे रहे हैं ना ऐसे बोल के, और सच में पैर दर्द दे रहे हैं मेरे दादी जी का। अभी मैं अकेले जा रहा हूँ। इधर देखिए इधर घोड़ा भी है, आप लोग चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं इधर उधर, और छोटा मोटा मिनी कार है, मिनी बाइक है यहाँ। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं अकेले जाऊँगा सीता बंगरा के पास। मैं बचपन में आया था, बहुत ही छोटा था, करीब 10 साल पहले आया था, तो मेरे उतना खास याद नहीं है अभी मेरे को। तो गाइस मिलते हैं सीता बंगरा के पास। तो गाइस मिलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, मिलते हैं सीता बंगरा के पास।